हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ बेहतरीन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से आप लोगों के लिए लॉन्च की गई है। इतनी बड़ी कंपनी में अगर आप लोगों को इंटर्नशिप मिल जाती है अपने कॉलेज टाइम में, तो इन फ्यूचर आप लोगों को आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, क्योंकि इन इंटर्नशिप्स में आप लोगों को वो सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं जो कि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटर्नशिप है आप लोगों के लिए। सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग इस टाइप की वीडियो चाहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल करियर पेज पे पहुंच जाओगे, जहां पे जब भी कोई भी इंटर्नशिप या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है वो आप लोग को इसी पेज पे शो करेगी। तो यहां पे आप लोग को लोकेशन का ऑप्शन है, इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहां पे सबसे पहले फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ जॉब करना चाहते हो, आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करनी है आप लोग को, तो यहाँ पे फुल टाइम जॉब रोल्स के लिए भी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अभी आप लोग अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो स्पेशल इंटर्नशिप्स आप लोगों के लिए यहां पे इस पेज पे लाइव होती हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए लाइव होती हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स प्रोग्राम भी होते हैं टाइम टू टाइम, अगर आप चाहते हैं उन पे भी मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं मुझे। सर्च ओपन इंटर्नशिप रोल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे करीब 4 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज लाइव हैं, जो कि एक एक करके इन इंटर्नशिप के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ये जो इंटर्नशिप्स हैं वो आज ही लाइव हुई हैं, बट कभी भी एक्सपायर हो सकती हैं, तो जितनी जल्दी आप लोग रजिस्टर करोगे उतना ज़्यादा फायदा है। बाकी एक और अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए कि ये जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो टाइम टू टाइम यानी 2-3 दिन के बाद दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं। तो अगर आप लोग को एक्सपायर शो होता है तो 2 से 3 दिन के बाद दोबारा से आप लोग सेम वीडियो पे आइएगा और चेक करिएगा, तो आप लोग दोबारा से इन इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर पाओगे ऑनलाइन ही। गाइज गाइज आई नो आप में से कई लोग डेवलपर बनना चाहते हैं एंड वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में जॉब भी करना चाहते हैं, तो इन इंटर्नशिप के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा, जिसकी हेल्प से अगर आप लोग नॉन टेक डिग्री भी कर रहे हो तो टेक फील्ड में आप लोग एक अच्छी कंपनी में जॉब पा सकते हो। देखो गाइज, अगर हम लोग बचपन से देखें तो हम लोगों ने लाखों रुपये हमारी एजुकेशन पर खर्च कर दिए हैं, तो क्या ये लाखों रुपये हम लोगों ने 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब पाने के लिए किए हैं? ऐसा तो नहीं है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, शेख अब्दुल जो कि एक डिलीवरी बॉय थे स्विगी ओला जोमेटो उबर जैसी कंपनीज में डिलीवरी का काम करते थे, अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बेंगलुरु में। इन्होंने 6 से 12 के बीच में डिलीवरी करते थे, उसके बाद अपने फ्री टाइम में इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स सीखने लगे, जिसके बाद इन्होंने वेब एप्लीकेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद इन्हें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब भी मिल गई। शेख अब्दुल जो कि बहुत सारे लोगों के लिए अभी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है और अब वायरल भी हैं, तो आप लोग भी जानना चाहोगे इन्होंने ऐसा क्या किया था। शेख अब्दुल ने एक प्रूवन करिकुलम फॉलो किया था, इन्हीं की तरह हजारों लोगों ने इस प्रूवन करिकुलम को फॉलो किया, स्किल्स को डेवलप किया और आज अच्छी खासी कंपनीज में जॉब भी कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में हजारों छात्रों ने 600 प्लस कंपनीज में 6 से 9 लाख का पैकेज ग्रैब किया है और एक अच्छी कंपनीज में इन्हें जॉब मिली है। इनकी ब्रांचेज CGPA या एजुकेशन बैकग्राउंड चाहे कुछ भी रहा हो, ये सभी एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। ये जो करिकुलम है वो IIT NIT IIMs के ग्रेजुएट्स अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट के इंप्लॉयज ने इस करिकुलम को आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। नेक्स्ट वेव RCB का ऑफिशियल एडटेक पार्टनर भी है। इस प्रोग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग अपना फ्री डेमो बुक कर सकते हो और आज ही जान सकते हो ये प्रूवन करिकुलम क्या है, कैसे क्या सिखाया जा रहा है आप लोगों को, तो वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया 4 इंटर्नशिप लाइव है, अभी एक एक करके हम लोग सारी इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी देखेंगे, क्या स्टाइपेंड आप लोग को मिलने वाला है ये देखेंगे। सबसे पहले इंटर्नशिप है प्रोडक्ट मैनेजर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। तो जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्ट मैनेजर की इंटर्नशिप है, जो कि 11 अगस्त को ही लाइव हुई है आप लोगों के लिए। ये जो इंटर्नशिप्स है इसके लिए हम लोग डायरेक्टली बेसिकली प्रोडक्ट मैनेजर का काम क्या होता है, कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं वो सॉल्व करना, और यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग देख सकते हो। क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप लोग अभी MBA डिग्री कर रहे हो तो आप लोग इस वाली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों ने BTech MTech कर लिया है तो आप लोग को यहाँ पे सब पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो पहली इंटर्नशिप तो स्पेशली MBA स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हमारे चैनल पे कम ऑडियंस आई बिलीव MBA वाली, कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कौन सी आप लोग डिग्री कर रहे हो। सेकेंड जो इंटर्नशिप है वो टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर इंटर्नशिप। ये वाली इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर की इंटर्नशिप है और इस इंटर्नशिप के लिए
अगर आप लोग कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो, या फिर पीएचडी डिग्री कर रहे हो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, या फिर इंजीनियरिंग की फील्ड में, या फिर रिलेटेड फील्ड में, और अभी आप लोगों को कम से कम एक साल तो है ही आपका कॉलेज खत्म होने में, तो आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए, इसके अलावा आप लोग को डिज़ाइन एंड फिजिबिलिटी पर काम आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके लोग के पास होनी चाहिए, तो आप लोग इस सेकेंड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड इंटर्नशिप की बात करें जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अपने कॉलेज टाइम में इंटर्नशिप लेना चाहते हो, तो आप लोग इस वाली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस इंटर्नशिप में आप लोग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं, वो प्लानिंग की, डिजाइनिंग की, इंप्लीमेंटेशन की, ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप लोग अभी बैचलर डिग्री कर रहे हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो इंजीनियरिंग की फील्ड में, और आप लोग के CGPA जो वो 7 या फिर 7 से अबव है, तो आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक और टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप लोग का जो अभी डिग्री कर रहे हो वो 2024 में आप लोग ग्रेजुएट्स होने चाहिए, तभी आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी आप देख सकते हो इस इंटर्नशिप के। इंडस्ट्री लीडिंग हेल्थ केयर आप लोगों को मिलेगा, गिविंग प्रोग्राम्स का एक्सेस आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क एंड कनेक्ट का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें स्टाइपेंड की, माइक्रोसॉफ्ट के जो इंटर्न्स होते हैं उनका अगर हम लोग स्टाइपेंड देखेंगे, तो हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टाइपेंड फॉर इंटर्नशिप इन इंडिया। तो आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं आप लोगों के लिए जो कि आप लोग को स्टाइपेंड सजेस्ट करती हैं, जैसे ग्लासडोर हम लोग काफी फेमस वेबसाइट है जिस पर आप लोग स्टाइपेंड चेक कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के इंटर्न्स को कितना मिलता है। तो आप लोग यहां पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहीं पे आप लोगों को कहीं पे शो होना लग जाएगा, अभी रिलोड हो रहा है ये पेज। इसके अलावा आप लोग को एक और मैं वेबसाइट बता देता हूँ, अगर इसमें नहीं पता चलता, एम्बिशन बॉक्स करके एक वेबसाइट है जिसमें आप लोग यहाँ पे जान सकते हो कितना पैकेज होता है। नॉर्मली 12 से 13 लाख माइक्रोसॉफ्ट के जो रिसर्च इंटर्न्स होते हैं उनको मिलता है, तो इसी टाइप से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी जो भी इंटर्नशिप करता है उसको इंटर्नशिप के दौरान इतने ही स्टाइपेंड वगैरह मिलते हैं। आप लोग कह सकते हो 80-90 हज़ार रुपये आप लोग का पर मंथ स्टाइपेंड मिलने वाला है इस इंटर्नशिप में, बाकी आप गूगल पे भी और सर्च कर सकते हो। फोर्थ नंबर की इंटर्नशिप जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड इंटर्नशिप है, डाटा साइंस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अगर आप लोग डाटा साइंस की इंटर्नशिप करना चाहते हो वो भी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के साथ, तो ये मौका आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। इस इंटर्नशिप के लिए भी आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग बीटेक एमटेक या फिर एमएस डिग्री कर रहे हो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 2024 में आप लोग पास आउट होने वाले हो, यानी अभी आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आप लोग के लिए ये इंटर्नशिप है। केगल स्कोर इज अ प्लस, अगर आप लोग केगल वगैरह वेबसाइट पे आप लोग रजिस्टर्ड हो, वहां पे आप लोगों ने कोई कोर्सेज वगैरह किए हैं, तो आप लोग को अलग से यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बाकी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इन इंटर्नशिप में चारों में से अगर आप किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अगर आपको डाटा साइंस की इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हो और आप लोग ये स्किल सीखना चाहते हो, तो मैंने आप लोगों के लिए एक दो दिन पहले ये वीडियो बनाई थी, डाटा साइंस कोर्सेज फ्री सर्टिफिकेट, तो ये वीडियो आप देख सकते हो जहां पे 20 प्लस फ्री डाटा साइंस कोर्सेज मैंने बताए हैं आप लोगों को, जिनमें आपको फ्री सर्टिफिकेट मिल रहा है। ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है आप लोग को इंटर्नशिप के लिए। हर एक इंटर्नशिप में यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप लोग को यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिया गया है, तो साइन इन में आप लोग यहाँ पे गूगल से साइन अप कर सकते हो। गूगल पे साइन अप करते ही आप लोग के सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का लिंक्डइन अकाउंट ऐड करने के लिए कहा जाता है। लिंक्डइन अकाउंट डिटेल्स आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसके बाद अपना रिज्यूमे ऐड कर सकते हो, उसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर सकते हो आप लोग, उसके बाद अगर आप लोगों ने कभी पहले कोई इंटर्नशिप की है उसके बारे में ऐड कर सकते हो, एजुकेशन डिटेल आप लोग के मार्क्स वगैरह, कौन से कॉलेज से आप लोग अभी पढ़ रहे हो, वो सारी डिटेल आपको ऐड करनी है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है जो आप लोगों ने बाहर से सीखी है वो आप ऐड अप कर सकते हो। कंटिन्यू विद एप्लीकेशन पे क्लिक करना है आप लोगों को, और इस तरीके से आप लोगों को ये एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अगर आप लोगों का किसी भी इंटर्नशिप में सिलेक्शन होता है तो आप लोगों को मेल आईडी के थ्रू बता दिया जाएगा। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।